दाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी उबल गया है चावलों का, पानी जी खाना हो गया जी साडा तैयार। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल, मैं ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ये हमारी आज की सुबह, आज के ब्लॉग का करते आगाज। रहिएगा बहन भाई हमारे साथ साथ, जो भी घर का काम होगा, रूटीन होगी, सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला सब नू अपने हिफ्ज ईमान च रखे, आमीन। सब ते अल्लाह ताला अपनी रहमत बनाई रखे। जो बहन भाई परेशान, अल्लाह ताला सब दी परेशानियाँ दूर करे। जो बीमार ने, अल्लाह ताला सेहत दवे। जो जिन्हां दी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला नेक साले औलाद दवे, आमीन। ऐसे दुआ नाल, नेक दुआ नाल कर दे जी अपनी वीडियो का आगाज़। रहिएगा भैन भाई हमारे साथ साथ, और जो जो भी भैन भाई चैनल पर नवे ने, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तो जी नाश्ता माशाल्लाह कर चुके हैं, और बच्चे गए ना ट्यूशन, और मैं कहा मैं अपने व्लॉग शुरू कर दी हैं, और जो घर का काम वो कर दें। पाए पाए तो हवा ही सारी मिट्ट ला ली जाती है, जावा और की करा, भी करना है और खाना भी बनाना है। और मैं कहना कहा कि बाजी मेरे को नहीं आया जाता, तो कहते मैं दाल मंगवाई, मैं अज घर सालन बनाने होटल की भी नहीं खाधी जाती खास। फिर मैं कहा जी और बच्चे कह रहे चावल और मंगाने पैने जी, चावल चावल नाल बना लेने जी। लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर और दाल मैं धो के ले आई सी, और मैं कहना प्याज काट लव, और ते मसाला रख दे जी पकड़ वास्ते। हल्का लाने जी दाल नू, मैं दोपहर का टाइम माशाल्लाह हो गया जी, सुबह केक खाते असी चाय ना, और भुख भी लग गई है। दाल जी है भी घ्यो थोड़ा ही चल जाता है, मिक्स ही हो जाता है। वैसे मैं घ्यो ना शुरू तो इसी बहुत घट इस्तेमाल करती हूँ, इन्नी घर से ना पकाते सारा, इन्नी बहुत घट इस्तेमाल करती सी घ्यो, कहते भी नुकसान है कड़ा कोई फायदा है। और मैं भी उन्होंने देख के ना, मैं भी हिसाब से घ्यो इस्तेमाल करती, ज़्यादा नहीं पाती हूँ। मैं कहा हम चिकन हजे प्याज ब्राउन होने ने, हजे उन्नी देर तक मैं मसाला कट लैनी है, मैं नाल मसाला पका जाएगा और उधर ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे, नाल ही सारा काम हो जाएगा जी। प्याज ब्राउन हो चुके ने, और मैं पान लगी जी मसाला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और नाल ही टमाटर सारा मसाला मैं नाल ही पा दें, मसाला जरा भुज जाए फिर पाने जिदा मिर्च नमक पाना हजे, मैं पहले आप भुज जाए, समझ नहीं आ रही। और मकान भी कितने होर देखती पई हाँ, भी कितने होर मिल जाए, बहुत कारखाना काफ़ी वड्डा है, फैक्ट्री है, और मशीन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा शोर है, वीडियो बनाई दी है और उच्ची उच्ची बोली दा। लेकिन फिर भी कई भैन भाई कहते हैं तुहाड़ी वीडियो जिन्ना काफ़ी शोर आता है, की मसला है, काहदा शोर है, क्योंकि पहले वीडियो बनी है कोई शोर नहीं सी लागे, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं सी, और इधर फैक्ट्री है इस वास्ते ज़्यादा शोर है। और लेकिन यह कि उदो मकान खड़े पे सू लभना पाया, क्योंकि चोरी हो गई, यह मसला बन गया, और मकान सू चेंज करना पै गया, और यह नहीं पता कि फैक्ट्री है, देखिया नहीं पहले। गैस बंद हो गया सी, पता नहीं पैर तो पैर आ गया, तां बंद हो गया। पहले भी काम करती सी मैं दो घर बिच, और हुण भी घर काम करती सी, लेकिन बस जिहदे च मैं दस्सिया सी काम करती हूँ, मैं कहा नहीं जा नदीन, मैं कहा नहीं जाना, और नहीं गई। फिर अगे कोई ना कोई लभ्या मैं, क्योंकि गुजारा नहीं सी हो रहा, कल तो कमाई का कोई गुजारा नहीं होता, क्योंकि जो महंगाई है ना, जिन्हें जी खाते उन्ने कमान, तो फिर पूरी पैंती है इस महंगाई के दौर के। 7000 मकान का किराया और 4000 मेरे मोबाइल की किश्त है, भी यकीन करो भैन भरा उन्हें किश्त नहीं भरी मोबाइल, अरे बाजी आज किसी किश्त जमा नहीं करवाई। मैं कहा मेरा भी रियाल की मेरे हालात नहीं है, आज किसी की सफर कर दो, वो हालात खराब ही होने जो कमान वाला ही बीमार हो जाए, तो की हालात हो गए। इस वास्ते फिर काम करांगे तो कुछ होएगी, काम ना करांगे तो कितने पूरी पएगी। हाँ मकान अपना हो ना, फिर कोई परेशानी नहीं।
मकान भी अपना नहीं, मोबाइल भी हजे अपना नहीं, अद्धी किश्त गई अद्धिया हजे रिया साड़िया, और हम रिक्शा लिया वह भी असं पैसे देने, वो भी किश्त दे दी है। ये भी चलो कभी ना कभी तो अपना बन ही जाएगा, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, बहुत ही हालात ना खराब होए पे ने। बस अल्लाह तला सब के हालात बेहतर करे, सब के अल्लाह तला रहमत करे, और साढ़े तो भी अल्लाह साढ़े परेशानियाँ दूर करे। दुख बंदा किनू सुनावे, माँ बाप नहीं, भैन भाई नहीं, और यूट्यूब फैमिली यो साढ़े भैन भरा वा, इन्होंने ही मैं कहा दुख सुख अपना शेयर कर दें कि साढ़े ए हालात ने दुख सुख आ, जो भैन भरा हो उन्होंने बंदा दुख सुख करता है, और बंदा कि करता है। जिमें जिमें टाइम गुजरता जा रहा ना, हालात बहुत खराब होंगे जा रहे, बस अल्लाह तला ही आराम करे, और कोई साढ़े वर्गे गरीबों का अल्लाह कोई वसीला बना दे, साढ़े किराया तो जान छुट जाए, बस जगह अपनी हो चलो बंदा सुकून ना बहुत वा, रोटी कमाता है और खाता है, कभी तो अल्लाह तला सुन हो चुके हैं। और मैं पान लगी दाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ा जहाँ पावे जी पानी, क्योंकि चमचा नहीं लाना, अगर चमचा ला दिता ना तो दाल गलनी नहीं है, फिर घंटा बैठे रहो दाल के इंतजार च, कदों पके तो कदों असी खाना खाइए। करिया चावल साहब। हाँ जी मैं बना लगी हाँ जी चावल, दाल बनाई सी, और बच्चे कहन लगे मम्मा दाल के नाल चावल बना लो, और फिर चावल मंगवाए, और मैं बना लगी थी फिके चावल उबाल के नाल चने की दाल, और मैं धो लिए चंगी तरह साफ करके, और धो के रख लिए, पानी उबल गया है चावलों का पक गए, और इधर दाल पकती पई है, दाल थोड़ी देर दे रहे उन्हें देर, मैं चलो चावल पक जाएंगे एक साइड से, और जी माशाल्लाह चावल मैं धो के रखे ने, और पानी हम इन्होंने डोल दे, डोल के और जी चावल पाने जी, माशाल्लाह जी मैं पान लगी चावल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी खाना हो गया जी साडा तैयार, आ जाए जिस भैन भाई ने खाना है दाल और चावल खा सकता है, और मेरी दाल भी तैयार है, ये चने की दाल और प्याज भी कटे हैं, मैं क्या उपर पावे जी प्याज, जरा होर जायका आ जाए दोपहर के टाइम। कमरे की सफाई। हाँ जी चार पाई मैं ना नीचे उतार दी बैठ दो, तो बैठ तो पई उसी पहले ला दी है, और बाहर डाली सिर में, कोई मेहमान वगैरह आ जाए जो आप बैठना हो, बड़ी तंगी सी, और तो सारा फिर मैं खिलारा चुकया, और बैठ तो फिर थले रखता बोरे वगैरह जोड़ा नहीं समान की जरूरत है, कपड़े छपड़े सर्दियों के पाने पुणा के, वह मैं सारे बोरे जो सुते पे से मैं थले रख दते, वो सारा खिलारा मैं समेट रहे, हूँ मैं मैं झाड़ू ला लवा, काफ़ी खिलारा पिया आया इधर, कोई चीज वगैरह चुको समान चुको इधर उधर करो, खिलारा फिर पैदा ही है। हाँ जी बकरे का मैं दाना बना ला, उन्होंने भी भुख लगी है जी, वही फुलका लिया है कि मैं भी दवो जी खाना, मैं भी खावा, उस तो बाद जी मैं भी बना दी शाम का खाना, ये बिल्कुल माशाल्लाह जी बन गया है, मिक्स कर लिया है तूड़ी चोकर और थोड़ी जी रोटी भेल ली दी है, और मिक्स करके और दाना पा दी, हल्का जहाँ पानी छट्टा ला लेता है, तूड़ी नरम हो जाती है फिर, और जानवर खा लेता है।